बिहार के दरभंगा जिले के एक सरपंच दयानंद प्रसाद को शराब तस्करी के मामले में पटना से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान का सरपंच दयानंद प्रसाद बताया गया है। सरपंच के साथ ही उसकी चारपहिया वाहन में बैठे एक अन्य युवक अमित कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शनिवार की सुबह पत्रकार नगर पुलिस गश्ती कर रही थी, इसी दौरान 90 फीट इलाके में एक स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़ी थी और पुलिस की गश्ती नजदीक आते देख स्विफ्ट सवार युवक गाड़ी की रफ्तार तेज कर भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकार नगर थाने ने इस वाहन को ओवरटेक कर रोका और जब पुलिस ने तेज रफ्तार से भाग रहे वाहन की तलाशी लेनी शुरू की तो स्विफ्ट कार के अंदर से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 3 बोतलें बरामद की और पुलिस ने जिस गाड़ी से शराब बरामद की उस गाड़ी पर सचिव सरपंच दरभंगा कुशेश्वर स्थान लिखा पाया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने जब सख्ती से दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की तो मौके पर मौजूद दरभंगा कुशेश्वर स्थान के सरपंच दयानंद प्रसाद की निशानदेही पर कंकड़बाग स्थित पोस्टल पार्क इलाके से पुलिस ने कई दर्जन अवैध अंग्रेजी शराब की 90 ml की बोतल को एक मकान के कमरे से बरामद किया। गौरतलब है कि इस पूरे छापेमारी अभियान के दौरान पत्रकार नगर थाने की पुलिस और कंकड़बाग थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर दरभंगा कुशेश्वर स्थान के सरपंच के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया। वहीं इस पूरे मामले पर कंकड़बाग थाना प्रभारी रविशंकर सिंह बताते हैं कि गिरफ्तार सरपंच की निशानदेही पर कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क इलाके के एक मकान के एक कमरे से पुलिस ने गिरफ्तार सरपंच की निशानदेही पर जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने दरभंगा के सरपंच और बरामद शराब को कंकड़बाग थाना के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन युवकों के कमरे से 70 पीस अंग्रेजी अवैध शराब की 90 ml की बोतल को बरामद किया है और 750 ml का 9 अंग्रेजी विदेशी शराब की खेप को बरामद किया है। का सरपंच है, वाहन चेकिंग हो रही थी पोस्टल पार्क के पीछे, हाँ उसी क्रम में ये पकड़ा है, एक कार स्विफ्ट डिजायर इसका पकड़ा है, उसमें 2 लड़के थे, ठीक है, एक वैशाली जिला का रहने वाला है, ये भी शराब का कारोबारी है। जब इसके मोबाइल को खंगाला गया गाड़ी से, पहले तो गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई, इसे जब पूछताछ किया गया तो बताया कि पोस्टल पार्क में रहते हैं, फिर इसके कमरे पर छापेमारी की, वहाँ भी शराब की बरामदगी हुई, इसके इसके करीब 10 बैंक अकाउंट है और लगभग 5 मोबाइल की बरामद हुई है, सभी मोबाइल में शराब का लेन देन है, ये शराब का बड़ा कारोबारी है। दरभंगा में भी इसकी पुलिस खोज रही है और वहाँ पता चला है कि यह सरपंच के रूप में कार्यरत है। कितना शराब बरामद हुआ? लगभग 70 पीस बरामद हुआ है, 90 ml का विदेशी शराब और उसके बाद 750 ml का 9 बोतल बरामद हुआ है इसके पास। अब ये इसके कहाँ से मिली, घर से या गाड़ी से? गाड़ी से 3 बोतल बरामद हुई है, बाकी सब इसके किराए के कमरे से। तस्करी करता है? हाँ, ये शराब की तस्करी करता है, इसके द्वारा बताया भी गया है।